अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं शहजाद लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज की जो वीडियो है ये वन पेपर जो होता है उसके लिए है, जो भी वन पेपर जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो कंप्यूटर वैसे तो काफ़ी सारे एमसीक्यूज हैं, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मेमोरी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे जो मोस्टली पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेमोरी की टाइप्स बताता चलूँ। मेमोरी जो होती है कंप्यूटर की, वो प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले प्राइमरी मेमोरी कौन सी है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये जो उसमें कंप्यूटर में ही होती है, ठीक है, और इसमें रैम और रोम इसे कहते हैं। रैम से बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम से बनता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो रैम को पी रोम भी कहते हैं। पी से बनता है प्रोग्रामेबल। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो मेमोरी होती है जिसे मज़ीद हम चेंजिंग नहीं की जा सकती, मॉडिफिकेशन जिसमें नहीं की जा सकती, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं, ठीक है, जिनके मुताबिक कंप्यूटर जो है रन करता है। और रैम जो होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जो मुख्तलिफ भी हो सकती है, ऐसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ अपनी चीज़ें रख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि रोम जो है आपको समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड आप एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी वो जो हम अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ, ठीक है, ताकि अपना डेटा बीच में देखने के लिए या जो है डेटा उसमें डालने के लिए। तो इसमें सीडी आ जाती है, डीवीडी आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, और भी जो इस किस्म की कोई डिवाइस है, ठीक है, जो मेमोरी के तौर पर जैसे हम लेते हैं तो वो आ जाती है, जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह। तो सीडी आ गया, कंपैक्ट डिस्क हो गई। सीडी से क्या बनता है कंपैक्ट डिस्क, ये पूछे जाते हैं व्हाट सीडी स्टैंड फॉर और व्हाट डीवीडी स्टैंड फॉर। ठीक है, डीवीडी से बनता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फिर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना सा था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।